بسم الله الرحمن الرحيم القرآن حياتي The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. असलकमलि वरक कैसे हैं आप सब अलहमदल अल्लाह आप सभी को हमेशा अपनी हिस्सा अमान में रखे ईमान में रखे इन इन आज हम सूरत फ्लाट नंबर वन फोटी एट टू वन फिफ्टी देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मूसा अलैहि सलाम के वाकयात को जो है एंजॉय कर रहे होंगे और उससे अल्लाह सुब्हान तआला हमें क्या लेसन देना चाहते हैं बखूबी आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इंशाल्लाह ओके कोशिश करें اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اتخذ قوم موسى من بعده من حليّهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا إتخذوه وكانوا ظالمين अल्लाह सुफ़ान त फरमाते और बना लिया मूसा सलाम की कौम ने उनकी ग़ैर हाजिरी में अपने जेवरात से बछड़े का जिसम जिसमें थी आवाज़ क्या उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि वो नहीं बात कर सकता है और ना ही वो बता सकता है उन्हें कोई रास्ता फिर भी उन्होंने बना लिया मबूद उसको और वो सब हो गए ालिम आयत नंबर वन ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين और जब वो शर्मिंदा हुए अपने हाथों के करतूतों पर या जो उन्होंने किया उस पर शर्मिंदा हुए और उन्हें दिखाई दे गया कि वो यकीनन गुमराह हो चुके हैं उन्होंने दुआ की अगर नहीं रहम किया हम पर हमारे रब ने और नहीं अगर उसने हमें माफ़ किया तो ज़रूर हम हो जाएंगे नुकसान उठाने वालों में से आयत नंबर वन फिफ्टी ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه بجرحه إليه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين اور پھر جب. موسى عليه السلام لؤته قوم كي طرف गुस्से में भरे हुए अफसोस करते हुए कहा कितनी बुरी जानशीनी की तुमने मेरी मेरी गैर मौजूदगी में क्या जल्दी पड़ी थी तुम्हें तुम्हारे रब के हुक्म की और रखा मुसीम ने तख्तियों को और पकड़ा सर के बाल अपने भाई के खींचा उसे अपनी तरफ भाई ने कहा मेरे वालदा के बेटे बेशक ये जो कौम थी ये दबा कर रखी थी मुझे और करीब था कि वो कतहली कर डालते मुझे सो ना तू हंसने का मौका दे मुझ पर नु, नु, दुश्मनों को दुश्मनों को यानी हम पर जो है दुश्मनों को हंसने का मौक़ा ना दे और ना शुमार कर मुझे जालिम लोगों में इन शराफ वन फोर्टी एट से हम देखते हैं और मजीद आगे भी मूसा सलाम का ही वाक्य चल रहा है अल्लाह सुबहन तला आगे और मजीद हमें बातें जो है वो बता रहे हैं बड़े गौर तलब की बात थी कि पिछले रुकू में जो हमने पढ़ा कि अल्लाह सुबहन तला बताते हैं दो चीज़ें कि जिन्होंने हमारी आयतों को यू नो जुटला दिया और आखिरत की मुलाकात को जुटला दिया तो उनके जो आमाल वो अभी हो जाएंगे और उन्हें क्या दिया जाएगा सिवाय ये कि जो उन्होंने किया है तो सोचिए आप जरा यहाँ पर देखिए कि आज अगर हम आज लोगों का हाल अगर कुरान के ताल्लुक से देखें तो बताए कि क्या ताल्लुक है आज लोगों का सुबह तला की किताब के साथ आज उन्हें देखिए कि पूछे आप भाई बताओ कितनी मक्के आयते हैं कितनी मदनी है या फिर कितनी सूरतें अल्लाह ने नाजिल की है यानी कुरान से इतना यू नो ऐसा कनेक्शन है लोगों का कि लोगों को ये तक पता नहीं है अच्छा ठीक है फिर ये कौन से आमाल की बात चल रही है मतलब ये कि जो रस्मी नेकियां लोग करते हैं ना नेकी समझ समझ के लोग जो है वो रस्मी तौर पर नेकिया जो करते हैं कि मे भी उनकी ये नेकिया हो सकता है कि अल्लाह सुबहाना तला उनके मुंह पे दे मारे हबीत हो जाएंगे सब वेस्ट हो जाएंगे सोचे इंसान पे देने के काम में अपने एफर्ट्स लगाता है माल लगाता है वक्त लगा लगाता है हैरत की बात है और अफसोस की बात है कि आज के नौजवान भी जो है वो गैर दिनी काम में इस तरीके से अपने आप को खपा देते हैं अल्लाह रह बोल रहे हबीत क्या आगे अब देखिए यहाँ तक का तो यू नो कि अल्लाह ये ना ने इन्फॉर्म कर दिया कि मैं ऐसा ऐसा मामला तो करूंगा ठीक है भाई चले अब हुआ क्या अब मुसा सलाम जब अल्लाह के पास गए हैं उनसे मुलाकात के लिए तो उनके पीछे उनके कौम के लोगों ने क्या किया अब वो देखते हैं इंशाल्लाह आयत नंबर 148 में मिन मिन के और बना लिया था मूसा सलाम की कौम ने उनके गैर हाजिरी हाजिरी में यानी उनके बाद उनके पीछे क्या बना लिया था अपने जेवराज से बछड़े का एक जिस्म बना लिया था देखिए हालांकि वो तो चाह रहे थे ना वो चाह रहे थे कि भाई हमें भी ऐसा कोई बुत मिल जाए हम सिर्फ एहतिकाफ करके उसके सामने बैठे रहें और हमें कोई मशक्क़त ना करनी पड़े यानी इबादत में और उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की थी मूसल के सामने जब अल्लाह सुबह ताला ने समंदर पार करवा दिया था और उन्हें जो है वो फिर आउन गुलामी से अल्लाह ने बचा लिया था उस वक्त पीछे हम पढ़ चुके हैं अब देखिए कि, कि कौम में वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लीडर से और उस तरीके से उसका गलत फायदा उठाते इन डिटेल ये कैसे हुआ किसने किया कब हुआ इच इन एवरी थिंग इनशाला आगे हम जाके सुर में इसको पढ़ने वाले हैं कि किसने ये अमल उनसे करवाया था ठीक है चले यहाँ पर इन शॉर्ट बताया जा रहा है कि नाम नाम का एक तो हम हम नाम का एक तो पढ़ेंगे कि जो एक शख्स था वो जो है उसने कौम के लोगों को जो है बड़ा उकसाया और उन्हें कहा कि यानी जी एक्सटेंड किया था ना अल्लाह सुबह ने टेन डेज तो बस उसको मौका मिल गया कौम के लोगों को जो है वो बहकाने लगा कि भाई देखो मूसा का रब भी यही है मूसा तो तू में छोड़कर चला गया वो तो भूल गया वो भी भूल गया कि उसका रब यहाँ है अब वो नहीं आएगा यू नो इस तरीके की बातें नेगेटिविटी उनके दिलों में डालने लगा ठीक है चले सारे लोगों ने जेवर जमा किया और उसके बाद जो है फिर एक बछड़े का जिसम बनाया गया और, और कि आगे तला क्या बोल रहे है? कि लहू खुआर जिसमें एक आवाज थी अच्छा देखिए ये तो कॉमन सेंस की बात है ना एक होलो चीज आप बनाओगे अगर उसे फूक मारोगे तो आवाज तो आएगी ना बस उन्हें ऐसा लगता था ओहो मतलब हम कुछ कह रहे हैं तो ये हमें रिप्लाई दे रहे हैं यू नो इस तरीके की जो है उन्हें बेवकूफ बनाया गया इस तरीके से और फिर उसके बाद अल्लाह सुबह आगे क्या बता रहे हैं अलम अच्छा वला सबीला क्या उन्होंने इतना भी गौर नहीं किया इतना भी नहीं सोचा के यानी कि वो उनसे बात नहीं कर सकता है और उनको कोई रास्ता भी नहीं दिखा सकता है भाई जिनको तुम आइडियल बना रहे हो ये आइडियल शिप ये वर्कशिप जिनकी तुम कर रहे हो तो वो तो तुम्हें कोई रास्ता भी नहीं दिखा सकते हैं और हुआ क्या इतुमीन फिर भी बना लिया उन्होंने उसे मबूत और वो सारे लोग जालिम हो गए देखिए ये अल्लाह उनके बारे में बता रहे हैं देखिए अमल की बात इसमें बहुत सारी हमारे लिए यहाँ पर जो आप वर्ड देख रहे अजिलाई जिला जो है देखिए कि अः उजरत को कहा जाता है जल्दबाजी को कहा जाता है ठीक है और कुरान में हम पढ़ेंगे कि दुनिया को भी जो है वो एलन कहा गया है क्यों उजलत जल्दबाजी को कहते हैं दुनिया इंसान को जल्दी हासिल करने की वो सोचता है कि मुझे सारी चीजें पाई जल्दी जल्दी हासिल हो जाए दुनिया में और इसीलिए जो है वो उजला दुनिया के लिए भी इस्तेमाल किया गया है देखिए और यहाँ पर देखिए कि आज भी आज इंसान जो है इसी जो है वो उजलत में पड़ा हुआ है दुनिया परस यानी कि यहाँ उजरत जो है चलिए तो उस वक्त की बात है लेकिन आज का इंसान ये देखिए कि दुनिया परस लोग जो होते हैं ना वो हमेशा आप देखिए कि सोने चांदी में खेलते ही रहते हैं उनके लिए भाई बहुत सारा हमारे पास जेवर हो गया हमारे पास एक यू नो सेटल लाइफ हो गई है और घर हो गया है कारोबार हो गया है बंगला आ गया है भाई मेरे बच्चों का फ्यूचर सेफ हो गया है यू नो दुनिया 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 तो आज भी देखिए कि हर इंसान के अंदर जो है वो इजल बैठा हुआ है हर इंसान के अंदर एक बछड़ा बैठा हुआ है जिसे वो हर वक्त पूजता रहता है किस तरीके से पूजता रहता है इन द सेंस आप वो मत समझे जैसे कि इंसान यू नो किसी चीज को पूजता है बस उसके सामने खड़ा रहेगा ऐसा थोड़ी कि यहाँ वहां भाग दौड़ करके पूजा पाठ कर रहा है नहीं जमे रहता है एक जगह उसी तरीके से देखिए कि आज मुझे और आपको जरूरत है कि हम भी जो है वो अपने बछड़े को ढूंढे वो कौन सा बछड़ा है जो हमारे अंदर आके बस गया है किस तरीके से एक वो बछड़ा था बन इसराइल का जिसको पूज रहे थे और उन्होंने अल्लाह और इसके रसूल के मकसद को भुला दिया था आज हर इंसान के अंदर जो बछड़ा है जैसे फॉर एग्जाम्पल के किसी का बछड़ा समझिए कि सोना बस सोना मीन्स गोल्ड है यहाँ सोना सो जाना स्लीपिंग कि भाई मुझे तो क्या करूं मेरी नींद ही पूरी नहीं होती मैं क्या अल्लाह के रास्ते में काम करूंगी किसी को देखिए कि किसी का बछड़ा बस शॉपिंग करना घर की साफ सफाई करना यू you नो know? बस घरों को सजाते रहना अभी आज मेरा सोफा लाना है मेरा आज जो है ग्लोसरी लाना है मुझे ये सेट करना है मुझे वो सेट करना है किसी का ये बछड़ा जो है वो बना हुआ रहता है अब देखो आपको शायद बात ना समझ आ रही है तो एक सीधी सी बात आप सुन ले कैसे मैं पता करूं कि आज जो है मेरा बछड़ा कौन है तो बस हर वो चीज आपके दिल में बछड़ा बन के बैठ गया है जो आपके और आपके रब के बीच में आए कुछ भी हो सकती है वो चीजें आपका कारोबार हो सकता है आपका माल होता हो सकता है आपके बच्चे हो सकते हैं आपका कुकिंग हो सकता है आपका घर हो सकता है आपकी साफ सफाई हो सकती है कुछ भी हो सकता है बस ये सोच ले कि भाई वो क्या चीज है जो मेरे और मेरे रब के बीच में आ रही है मुझे अल्लाह तइन का काम नहीं करने दे रही है मैं आधा घंटा भी अल्लाह की किताब को नहीं दे सकती भाई क्या बात है आज जरूरत है हमें उस बछड़े को जांचने की परखने की उसको तलाश करने की और फिर उसके बाद करना क्या है आपको दुआ करनी है अल्लाह सुबह तला से कि अल्लाह तू मुझे तौफीक दे देके मेरे इस बछड़े को मैं जिबा जिबाह कर दू खत्म कर दू उसको उसकी, उसको कुर्बान कर दू मैं तेरे लिए उसको कुर्बान कर दू मुझे ऐसा बछड़ा नहीं चाहिए जो तेरे और मेरे बीच में आए समझ रहे हो आप जिस तरीके से देखिये कि उस वक्त तो उन्होंने खैर अपने जेवरात से उसका जिसम बना लिया था उसको पूजने लगे थे और उसी वजह से वो अल्लाह को भुला बैठे थे आज हर इंसान के अंदर एक ना एक बछड़ा बैठा हुआ है सबसे बछड़ा तो बड़ा बछड़ा तो मैं समझती हूँ घरों में जो टीविया होती है मोबाइल होते ये होते हैं आदमी जब उसको चालू करता है तो एकदम टिक टिक करके बैठा हुई रहता है जमा रहता है बिल्कुल एतकाफ़ में जैसा बैठा हो जम कर बैठा हो तक में बैठना इन द सेंस जम कर बैठना ठीक है कि हमने पीछे भी इसमें पढ़ा कि जब कौम के लोगों को रसूल और वो कह रहे हैं कि भाई ये काम मत करो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम उसी पर जमे रहेंगे नहीं? वहां पर ये अल्फाज यूज किया गया हमारे बाप दादा जिस पर जमे थे हम उसी पर जमे रहेंगे तो देखिए दुआ करिए अल्लाह सुबहाना तला से दुआ करे एक बड़ी कीमती जिंदगी आपको मिली है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाली जिंदगी तो उसको जय ना होने दे ठीक है चलें आगे अल्लाह सुबहाना तला क्या बता रहे हैं कि फिर देखिए यहाँ पर जो है अब ये लोग जो है अल्लाह सला कह रहे ये गौर नहीं करते भाई जिसको इन्होंने पूजना शुरू किया है वो तो इनसे बात भी नहीं करता है अब आप सच्ची बताएं एक बात बताएं आप पूरा दिन फॉर एग्जाम्पल की आपके घर में जो फर्नीचर है क्या वो आपसे बात करता है आपके घर में बड़ा कोई अच्छा सा शोपीस रखा होगा क्या वो आपसे बात करता है नहीं करता है ना बस आप बोलोगे नहीं भाई मैं तो बची मैं तो किसी बछड़े को नहीं पूछती मैं तो भाई किसी मूर्ति को नहीं पूछती किसी खबर को नहीं पूछती तो बहुत अच्छी बात है आप इन चीजों को नहीं पूछती है लेकिन घर की चीजों को पूछती है पूछने से मुराद क्या है जरा उसको क्लियर करें आप कि आपका वो सारा कीमती वक्त जो आपको अल्लाह के कलाम के लिए देना चाहिए या अल्लाह के दीन के लिए या अल्लाह का हक है उस वक्त पे अपनी जिम्मेदारियां आप करें उसके अलावा जो भी आपको वक्त मिलते हैं वो आप अल्लाह के दीन का काम करें और इसमें आपका फायदा है अल्लाह सुबह तला का कोई फायदा नहीं है देखे सारी दुनिया भी अल्लाह की इबादत करे ना मिलके तो भी अल्लाह की कुदरत में कोई बढ़ावा नहीं होना है कि भाई चलो सारे लोग इबादत कर रहे हैं अल्लाह की कुदरत में बढ़ावा हो जाएगा नहीं तो क्यों आप अपने वक्त को ऐसी चीजों में वेस्ट करती हैं ना आपका फर्नीचर आपसे बात करता है ना आपके यू नो किचन के बर्तन आपसे बात करते हैं लेकिन फिर भी मुझे तो समझ ही नहीं आता है और पूरा पूरा दिन किचन में लगा देती हैं पूरा पूरा दिन अपने घर की जो है वो सजावट में लगा देती है पूरा दिन फर्नीचर साफ करो ये करो वो करो यू नो देखिए करिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी बातों का बिल्कुल ये मतलब ना निकाले कि गंदगी रखे अपने घर में नहीं बिल्कुल नहीं बस मैं इतना सा कहना चाहती हूँ कि जिस काम के लिए जितना वक्त देना है उतना ही दे और अल्लाह का हक भी अदा करें क्यों बता रही हूं आपको क्योंकि देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन ये जो अल्लाह की किताब है बेजान घर की चीजें आपसे बात नहीं करेंगी ना वो आपके दुख सुख को समझेगी लेकिन ये जो अल्लाह की किताब है देखिए हमारा दुख सुनती है और समझती है अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज का आप में से काफी लोग ने एक्सपीरियंस ये किया होगा कि जब से आप अल्लाह के कलाम से जुड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको लोगों से बात करने का जी नहीं करता होगा आप बहुत कम बोलने लगी होंगी आपको ऐसा लगता है कि नहीं जब मेरा रब सुनने वाला है तो मैं अपने रब से बात करूँ है ना इसी तरीके से देखिए कि जिसको जितना वक्त देना है आपको किचन को जितना वक्त देना है आप उतना दें आपके फैमिली मेंबर्स को जितना वक्त देना है दें बाकी वक्त आप अपनी आखरत को संवारने में लगा दें इनशा अल्लाह से तोीक मांगे इस चीज़ की ठीक है ये बहुत अच्छी बात है देखिये आप अभी फॉर एग्जाम्पल ऊपर की आयतों में आपको थोड़ी बहुत कुछ बात समझ आ गई फौरन आपको भी बड़ा एहसास हुआ जैसे कि बनी इसराइल को हो गया था क्या क्या हुआ था देखते हैं चलिए और जब वो शर्मिंदा हो गए नादिम हुए और अपने हाथों के करतूतों पर यानी जो उन्होंने काम किए उस पर उन्हें बड़ी शर्मिंदगी हुई ये देखिए ये अरब जो है वो ये मुहावरे के तौर पर भी इस्तेमाल करते जब हमें मतलब किसी चीज को लेकर यू नो रियलाइज हो जाए शर्मिंदगी हो जाए तो वरा वरा आओ, और उन्होंने और उन्हें दिखाई दे गया क्या चीज दिखाई दे गई उन्हें कि वो गुमराह हो चुके हैं कितनी प्यारी बात है देखिये ये है ये एहसास आज मुझे और आपको चाहिए कि हमें एहसास हो कि हम कहाँ भटके जा रहे हैं ठीक है मजीद फिर उन्होंने अल्लाह के हुजूर में दुआ की कि यकीनन अगर रहम करे हम पर हमारा रब अगर नहीं रहम किया हमारे रब ने हम पर और अगर उसने हमको माफ नहीं किया तो जरूर हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे सोचिए दुआ करें आपसे अगर कोई यू नो आपने अगर अल्लाह की किताब को इम्पोर्टेंस नहीं दिया अल्लाह के दीन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया लेकिन आज आप आपके पास अगर उसका मैसेज पहुंच गया है अल्लाह के कलाम की जो पैगाम है वह आप तक पहुंच गए हैं आप उस पर अमल करना चाहती हैं पिछली अमाल पर आप बहुत ज्यादा शर्मिंदगी अगर महसूस करती है तो अल्लाह के हजूर में दुआ करे तोबा इस्तार करें, करें। अल्लाह पसंद करता है तोबा करने वालों को ठीक है यहाँ पर उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने फौरन अल्लाह के हुजूर में जो है वो दुआ मांग ली तो खैर ठीक है चलिए लेकिन लेकिन यहाँ पर देखिए कि आयत का अगला इस सब बहुत ज्यादा जो है वो काबिल गौर है कि ठीक है ये तो कौम के लोगों ने किया लेकिन अब देखते हैं हम मूसा का रवैया क्या रहा अपनी कौम के साथ तो मजद देखिये यहाँ पर वलम्मा और जब राजा वापस लौटे मूसा ठीक है अब आप लोग है, है बोलोगे सलाम तो अब लौट रहे हैं तो पीछे ये सारी बातें तो देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला खबर दे रहे हैं मुसा सलाम को इनशाला पढ़ेंगे हम आगे कि तूने तो जल्दी की मेरे पास आने की लेकिन तेरे पीछे तेरे पीछे कौम ने जो है वो शिर कर लिया यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पे बताया जा रहा है लेकिन सूर्य में इनशाला हम लोग पूरी डिटेल उसकी पढ़ेंगे इसलिए मैं बीच बीच में आपको थोड़ा कुछ बताती हूँ देखिए ये है अल्लाह के कलाम का अंदाज और बड़ा खूबसूरत अंदाज कुरान इज नॉट एनी स्टोरी बुक ओके कोई स्टोरी बुक नहीं है कि बस यू नो सारी चीजें सीक्वेंस में आपको मिल जाए बस पढ़े और आपको समझ आ जा जाए एक चीज आपको कहीं किसी सिपारे में मिलेगी किसी सूरत में मिलेगी यू नो और वही उसका लिंक आपको कहीं और मिलेगा इस ये बहुत बड़ा सबूत है इस चीज का कि कुरान अपने आप में ही बहुत बड़ी तफसीर है आपको यहाँ वहां कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है कुरान खुद जो है अपने आप में तफसीर है और खुद वो अपनी तफसीर बयान कर देता है यहाँ पर अब मुसाउन जब आए अपनी कौम की तरफ कैसे आए अस्तीफा गुस्से में था अफसोस किस चीज़ का था तो देखिये उन्हें गुस्सा इस चीज़ का था कि कौम पीछे शिर कर गई अफसोस इस चीज का था उन्हें कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया बहुत जल्दबाजी की उन्होंने तो ये एक नो एक रोल मॉडल एक जो लीडर होता है उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए बुरी चीजों को देखकर उसको गुस्सा आना चाहिए और जिन चीजों पर उसने सब्र करने को कहा अपने कौम के लोगों पर कौम के लोगों ने सब्र नहीं किया ठीक है चले अब हुआ क्या अब देखिए कि अब अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने की बात है कि कॉल अमाफ तुमो देखिए किससे कह रहे हैं कहा कितनी बुरी हाजरी में किसको बोल रहे किसको वो जो है जिम्मेदारी देकर गए थे बताए आप में से याद है किसी को याद है किसी को वो जिम्मेदारी किसको देकर गए थे मुसालाम बताए हार वेरी गुड हारून सलाम को जिम्मेदारी अपने भाई को वो जिम्मेदारी देकर गए थे मेरे बाज़ देख रेख करना कौम के लोगों को और देखो कि उनको भटकने नहीं देना ठीक है चले अब आपको ताजुब नहीं लग रहा है गलती तो कौम के लोगों ने की लेकिन सवाल किससे किया जा रहा है जिनको जिम्मेदारी दी गई थी यही होता है देखे इंसान कुछ भी करे लेकिन जिम्मेदारान जो होते हैं ना सवाल उनसे किया जाता है नो इसी तरीके से तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरे बाद यानी मेरे पीछे तुमने बहुत बुरी टेक केयर की मेरी कौम के लोगों की और बताओ जरा ठीक है चलिए ये बात हो गई अब वो कौम के लोगों को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं क्या जल्दी पड़ी थी तुम्हें तुम्हारे रब के हुक्म की इतनी क्या तुमने जल्दी कर ली मुझे दस दिन ही तो यानी लेट हुआ तो तुम्हें अपने रब की जो रब जो ने तुमसे वादा किया था कि बेहतरीन चीज दूंगा तो क्यों जल्दी की तुमने देखिए जल्दबाजी इंसान को बहुत बड़े घाटे में डाल सकती है ठीक है उसके बाद अब हुआ क्या इतना गुस्सा आया उन्हें वह अल अल वह और रखा मुसा ने तख्तियों को जो अल्लाह सुबह ने उन्हें बुकलेट जो लिखी हुई जो पेपर वगैरह जो भी होगा वो दिया उसको रखे एक तरफ और पकड़ा सर अपने बाल अपने भाई के सर के बाल को पकड़ा और उन्होंने क्या किया अपनी तरफ खींचा उनको अपनी तरफ खींचा और कहने लगे देखिए अपनी तरफ खींचा आप जरा इसको इमेजिनेशन में लेकर आए एक इंसान गुस्से में है सर के बाल अपनी तरफ पकड़ के खींचा है तो सोचिए उसको किस कदर गुस्सा होगा उस शख्स को कि यहाँ पर मुसालाम के गुस्से की कैफियत बताई जा रही है कि कैसे उन्होंने ना अपने भाई के सर के बाल को खींच कर अपनी तरफ जो है पकड़ कर अपनी तरफ खींचा ठीक है अब ये मंजर जब देखा हारून सलाम ने तो बोल पड़े कौला इबिना उम्मा ए मेरे माँ के बेटे यहाँ एक ये देखें कि प्यारा अंदाज हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से यानी उन्हें याद दिला रहे हैं कि भाई तुमने जिसको पकड़ा है वो तुम्हारी माँ का बेटा है ये नहीं कहा गया है मेरे भाई यानी यहाँ पर उन्हें एहसास दिला रहे हैं और क्या कहा उन्होंने कि बेशक कौम ने दबा कर रखा था मुझे और करीब था कि वो सब कत्ल ही कर देते मुझे सोचे आप जरा शिर इस कदर इंसान को निकम्मा बना देता है अंधा बना देता है और कि वो किसी के कत्ल तक को जो आमादा हो सकता है कत्ल तक वो किसी का कर सकता है फिर क्या कहा उन्होंने रिक्वेस्ट की हारन ने रिक्वेस्ट किया फिर तू लोगों को यानी कि ये जो दुश्मन है हमारे इनको हम पर हंसने का मौका मत दे और वाली और ना तू मतलब शामिल कर मुझे ऐसे जालिम लोगों में रिक्वेस्ट की देखे मारा मारी नहीं किया भाई से अच्छा तुमने मेरा बाल पकड़ा मैं तुम्हें गिरबान तुम्हारा पकड़ लूंगा और तुम्हें तुमने एक चाटा मारा तो मैं दो चाटा मारूंगा नहीं क्या पता चल रहा है कि आप जिसको जिम्मेदारी देकर जाते हैं बाद में आपका फर्ज बनता है आपकी ड्यूटी की आप उनसे सारी अपडेट लें सारी रिपोर्ट लें कि भाई क्या किया तुमने हमारे पीछे अब यहाँ पे देखिए कि क्या पॉइंट हमें पता चल रहा है कि जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान से या कोई भाई किसी भाई से लड़ता है तो लोग हंसते हैं उस पर लोग उनका मजाक बनाते हैं बताइए कितना बड़ा फैक्ट है है ये साइको अल्लाह बता रहे हैं पे ये लोगों की साइको है कि आपस में अगर भाई भाई को लड़ते हुए देखते हैं तो दूसरे लोगों को हंसने का मौका मिल जाता है चलिए यहाँ पे कुछ अमल की बात है हमारे लिए इनशा हम उसको देखते हैं पहली बात ये देखिए कि बहुत अहम बात आप याद रखें कि मूसा ने अल्लाह ने उनको ने ने जो भी पढ़ना शुरू नहीं कर दिया कि भाई रुको, सुनो, देखो, मुझे कोई मिली है क्या पॉइंट मुझे और आपको इसमें मिल रहा है अमल की बात देखिए कि गुस्से में कभी भी इंसान को किताब समझ नहीं आती है फर्स्ट थिंग इसीलिए देखिए कि आप जब कभी गुस्से में हो ना तो कुरान ना पढ़ा करें क्योंकि अल्लाह का हुक्म बहुत बुरा लगता है उस पर अमल करना भी इंसान को बहुत मुश्किल लगता है तो जब आपके अंदर गुस्सा हो तो आप अल्लाह का कलाम ना पढ़े अल्लाह के हुक्म आपको समझ नहीं आएंगे एंड अदर थिंग इसकी देखिए कि, कि मूसा सलाम को शिरक बर्दाश्त नहीं हुआ वो शिरक को बर्दाश्त नहीं कर सके आज आज क्या है हमारा ये देखिए आज हमारे समाज में क्या बुराइयां फैली हुई लोग तो देखिए कि रस्म को एंटरटेनमेंट के तौर पर करते हैं और रसम के नाम पे इस कदर शिर करते हैं और लोग उसको कितना वाह 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 करते रहते हैं बहुत अच्छा कर रहे भाई बहुत अच्छा कर रहे तो बताए क्या मतलब आपको गुस्सा आना चाहिए क्यों पता है क्योंकि देखिए कि शिरक देख देखकर इंसान को अगर गुस्सा ना है तो अपने ईमान को टटोले भाई क्या हो गया है मुझको झंझोड़े अपने आप को शिरक देख कर अल्लाह की नाफरमानी के काम देख कर आप बड़े इतमान से रह रहे हैं तो इंसान को फिर फिक्र होनी चाहिए कि भाई मुझे मेरी उम्मत की फिक्र नहीं है मुझे मेरे कौम की फिक्र नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते तो तो कम से कम 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 से से इतना तो कर सकते हैं कि कि यू नो उसको बुरा ही जाने ना उसमें हो जाए। तो यहां तक जो है हमारी आयतें हो गई हैं अल्लाह के मजद इनशा कंटिन्यू रहेगा सलाम का किस्सा हम अगली आयतों में इंशाल्लाह देखेंगे بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده اوكي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تذي قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب اللهم جل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء هزني وذهاب همي وغمي جزاكم الله خير آمين يا رب العالمين